चटकी की ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7,84,000 इसकी ट्रैफिक है मंथली, पर मंथ लाख ट्रैफिक को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करें 0.01 डॉलर के साथ, लाइक पर विजिटर आप लोगों को 0.01 डॉलर मिल रहा है, तो आप लोग 7,000 डॉलर जो उनसे हैं पर मंथ कमा सकते हो। अगर जी हाँ, 7,000 डॉलर को पीकेआर में इसे कन्वर्ट करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये लाखों में बंदा खेल रहा है, लाइक यहाँ पे 20 लाख रुपए ये कमा रहा है पर मंथ। लेकिन जो इस वेबसाइट के हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक चेक करें, इस वेबसाइट की ट्रैफिक है यहाँ पे 2 लाख कुछ 2.5 लाख कह लें आप लोग, जोन से कि ये जोन से मंथली ट्रैफिक इसकी वेबसाइट पे आ रही है। तो यहाँ पे जोन से हम लोग इसको इतनी ट्रैफिक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वन जोन से है 0.1 डॉलर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2500 डॉलर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग है, जो कि बहुत ज़्यादा एक जो भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे 7 लाख के आसपास जोन सी है इसकी मंथली अर्निंग है। तीसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे जोन सा ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रही है, क्योंकि इसके 8,17,000 विजिटर आते हैं पर मंथ। तो हम लोग जो उनसे है इस वेबसाइट की एक बार देख लेते हैं, 8 लाख और कितने 17,000। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो उनसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो हम लोग देखते हैं 8,170 डॉलर पर मंथ ये बंदा कमा रहा है पाकिस्तानी, तो 8,170 पर डॉलर जो से पर मंथ कमा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 24 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, मेरा नाम मोहम्मद हनान साबिर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग किस तरीके कार से, ये जो उनसे मैंने 4 जो उनसी वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई है, इस तरीके कार की आप लोग वेबसाइट किस तरीके कार से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो जस्ट एक प्लगइन जो उनसे थीम यूज करके। कम्प्लीटली आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। तो यार आप लोगों ने अगर तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना अगर तो आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिले। तो इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, इसमें से आप लोगों को हेल्प मिली है कि नहीं मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को वेबसाइट की ट्रैफिक और इसकी जो उनसे अर्निंग के मामले में बता दूं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो उनसे मैं कैलकुलेटर ओपन करके रख लेता हूँ, और यहाँ पे जो उनसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक प्लगइन का जो उनसे है सिमिलर वेब है। ठीक है, आप लोग इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसका जो उनसे है मुख्तलिफ वेबसाइट का डाटा ट्रैफिक फेच करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं जो उनसे इसकी अब्बास पीसी जो उनसी वेबसाइट है इसकी ट्रैफिक के मामले में अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट को ओपन करके रख लिया है। ठीक है, और सेम इसी तरीके करके हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। यहाँ पे जो उनसे सेमिलर वेबसाइट है इसकी हम लोग जो उनसे अगर अब्बास पीसी वेबसाइट की ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 लाख जो उनसे इसकी ट्रैफिक है मंथली पर मंथ। और अगर हम लोग 7 लाख ट्रैफिक को अगर हम लोग सिर्फ 7 लाख ट्रैफिक को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करें 0.01 डॉलर के साथ, लाइक पर विजिटर आप लोगों को 0.01 डॉलर मिल रहा है, तो आप लोग 7,000 डॉलर जो उनसे हैं पर मंथ कमा सकते हो। अगर हम लोग 7,000 डॉलर को मल्टीप्लाई करें 7,000 डॉलर को पीकेआर में इसे कन्वर्ट करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये लाखों में बंदा खेल रहा है, लाइक यहाँ पे 20 लाख रुपए ये कमा रहा है पर मंथ, और ये एवरेज निकलते हैं और इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी वेबसाइट की तरफ चलें, अब इस फाइल के जो इस वेबसाइट के हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक चेक करें, इस वेबसाइट की ट्रैफिक है यहाँ पे 2 लाख कुछ 2.5 लाख कह लें आप लोग, जोन से कि ये जोन से मंथली ट्रैफिक इसकी वेबसाइट पे आ रही है। तो यहाँ पे जोन से हम लोग इसको इतनी ट्रैफिक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय वन जोन से है 0.1 डॉलर के साथ अगर करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2500 डॉलर। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग है, जो कि बहुत ज़्यादा एक जो भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे 7 लाख के आसपास जोन सी है इसकी मंथली अर्निंग है। तीसरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी इसकी भी जोन से ट्रैफिक हम लोग देखते हैं, ये भी 7 लाख के आसपास जोन से है ट्रैफिक लेके आ रहा है। और जोन से यहाँ पे हम लोग लास्ट जोन से सेकेंड लास्ट वेबसाइट पर चलते हैं तो यहाँ पे जोन से हम लोग देखते हैं इसकी जहाँ से मंथली ट्रैफिक है 262 के, तो सेम लाइक दिस ये जोन सी वेबसाइट है सेम कमा रही है। ठीक है, और इसकी वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे जोन से ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रही है, क्योंकि इसके 8,17,000 विजिटर आते हैं पर मंथ। तो हम लोग जोन से है इस वेबसाइट की एक बार देख लेते हैं, 8 लाख और कितने 17,000। ठीक है, तो इसके हिसाब से जोन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या सिनेरियो है, मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो हम लोग देखते हैं 8,170 डॉलर पर मंथ ये बंदा कमा रहा है पाकिस्तानी,
तो 8,170 पर डॉलर जो है पर मंथ कमा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो 24 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके कार से बना सकते हो। दो तरीके कार आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक तो आप लोग विजिटर को ला के अपनी वेबसाइट पे कमाई कर सकते हो, यहाँ पे जो है अगर विजिटर को ला के कमाई नहीं करना चाहते तो दूसरा आप लोग डाउनलोड के थ्रू भी कमाई कर सकते हो। तो किस तरह करनी है अगर, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इनशाला आप लोग इसे सीख सकोगे। और दूसरा वे आप लोगों को मैं एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डाउन जो से हैं ये सॉफ्टवेयर्स हैं आप लोग किस तरह इनको अपलोड करके अगर कोई बंदा डाउनलोड करता है तो उससे पैसे कमा सकते हो। ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देख लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में, और वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह आप लोगों ने जो है इस तरह की वेबसाइट बना के पैसे कमाने हैं, और आप लोगों ने किस तरह जो है इसके साथ छेड़छाड़ करनी है, ठीक है, और आप लोगों ने वेबसाइट को रेडी करना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे जो सा भी हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोगों ने पता है आप लोगों को स्टेप रखे होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो को बनाना सीखेंगे और जो सा वेबसाइट को बनाना सीखेंगे और इस वेबसाइट के थ्रू जो सा अर्निंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा हम लोग स्टेप वन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल मीन्स आप लोगों को यहाँ पे मैं गूगल शीट पे जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी वैसे एक बना के रखी हुई है गूगल शीट। तो यहाँ पे मैं अपनी एक गूगल शीट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी शीट को गूगल शीट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक आप लोगों को शीट को ओपन करके जो है बना के रखना है जिस पे आप लोग जो है सॉफ्टवेयर के नेम्स, ठीक है, आप लोगों की कैटेगरीज भी हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों ने कैटेगरी वाइज सॉफ्टवेयर को लिखना है। लाइक अगर आप लोगों के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसके नेम्स आप लोगों ने लिख लेंगे, ठीक है। फाइल बनाने के लिए क्या काम करेंगे आप लोग, गूगल जो उनसे है डॉक्स पे फाइल्स पे आ जाएंगे, शीट्स पे आ जाएंगे। इस पे आप लोगों ने एक शीट बना लेनी है कैटेगरी वाइज, ठीक है। बट मैंने जो है इसमें एक सिंपल शीट बना के रखी हुई है जिसमें मैंने जो से चार पांच सॉफ्टवेयर का यूज किया है, ठीक है। IDM है ये जो सा डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी कह लें और एक एक्सटेंशन भी कह लें, ठीक है। इसी तरह एक वीडियो डाउनलोडर है, ठीक है, और CC क्लीनर है, और जोन सा है बैंडकैम, ठीक है, ये वीडियो एडिटिंग जोन सा है ना रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इस जोन सा इस वेबसाइट को हम लोग यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जोन सा मैं एक दो वेबसाइट को काट देता हूँ ताकि हम लोग मैंने जोन सा है यहाँ पे तीन वेबसाइट को कट कर दिया। हम लोग इस तरीके कार की एक वेबसाइट बनाने के तरीके कार से कंप्लीटली तौर पे आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को श्योर के लास्ट तक भी देखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने सेम यही चीज यूज करनी है। आप लोगों ने क्या काम करना है कि यहाँ पे ना आप लोगों ने एक फाइल बनाने लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर का नेम लिख देना है, कीवर्ड भी लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो उनसे यूज किया जाता है। अब लाइक अगर आप लोगों को सॉफ्टवेयर के नेम्स कलेक्ट करने नहीं आ रहे तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, इस तरह न्यू टैब को ओपन कर लो और गूगल पे आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे लिख देना है कि 50+, जिस तरह आप लोग लिख लें। देखिए मैंने ऑलरेडी वैसे जो सर्च करके रखा है 50+ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नेम लिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप लोगों की कैटेगरीज वाइज जो सी हैं, ये जिस तरह अडोब है अडोब की कैटेगरीज वाइज इसने सारे लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये एंटीवायरस है, इस तरह करके आप लोगों ने कैटेगरीज वाइज इसके सर्च करने हैं। लाइक मुझे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की लिस्ट चाहिए नेम्स की, तो मैं इसे सर्च कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 58 ऐसे सॉफ्टवेयर इसने बताए हैं, ऐसे टूल्स बताए हैं जिसपे आप लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो आप लोग इनके जो से नेम कॉपी करके इसके ऊपर आर्टिकल लिख के इसका डाउनलोडिंग लिंक देके इजीली पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आप लोगों ने किस तरह जो से हैं अपने सॉफ्टवेयर के नेम की लिस्ट निकालनी। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिस्ट सारी निकाल के रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब आती है कि दूसरे पॉइंट की तरफ, यहाँ पे हम लोगों ने फाइल बना ली, ठीक है, उसमें जो उनसे हम लोगों ने लिस्ट भी बना ली है। अब आती है जी यहाँ पे सेकंड स्टेप, यहाँ की हम लोग किस तरीके कार से अपने जो उनसे हैं सॉफ्टवेयर के मुतालिक कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी टूल्स प्लगइन्स यूज करने वाले हैं फ्री है, कोई आप लोगों ने पे नहीं करना, हत्ता कि हम लोग वेबसाइट भी फ्री में बनानी सीखेंगे। तो यहाँ पे जो से हम लोग यूज करेंगे अब जो से है कीवर्ड सर्च के लिए फ्री का टूल जो कि आप लोगों को मैं हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ, गूगल प्लानर, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पता है कि जितनी भी सर्चिज होती हैं गूगल पे होती हैं, तो उसके लिहाज से आप लोगों को एक जो से है प्लान बताता है कि आप लोगों को इस कीवर्ड पे कितनी सर्च हो रही है, ठीक है। तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। अगर आप लोगों को इसका अकाउंट नहीं बनाना आता तो आप लोग इसका लिहाजा एक वीडियो देख लीजिएगा, कहीं भी यूट्यूब पर मिल जाएगी। अदरवाइज मैं आप लोगों को इसका कंप्लीटली बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह इसकी इसका जो है अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने सर्च कर लेना है। यहाँ पे जब जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो है हम लोगों ने कीवर्ड को सर्च करना है। तो अब देखें यहाँ पे जो है मैंने कीवर्ड सर्च किया हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो IDM, ठीक है। अब मैं जस्ट IDM को कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद वापस कीवर्ड प्लैनेट पे आता हूं, यहां पे पेस्ट करके इसे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूं।
जैसे ही गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो से इसे मैं कट करता हूँ और इससे भी कट करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि पाकिस्तान की लोकेशन सेलेक्ट है। सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे वर्ल्ड वाइड ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग इसे कंट्री वाइज करेंगे तो आप लोगों को कम चांस है कि आप लोग रैंक करें, तो आप लोग इसे वर्ल्ड वाइड ही रहने दीजिएगा, आप लोगों को कुछ ज़्यादा चांसेज हैं। तो यहाँ पर जो से आप लोगों ने जो से लोकेशन सेलेक्ट होगी आप लोगों ने कट करके उसे सेव कर देना, जैसे ही सेव करेंगे तो आप लोग इस पेज में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर जो से आप लोग देख सकते हैं कि जो से IDM गूगल पे कितनी बार सर्च हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्च, गूगल बता रहा है आप लोगों को, गूगल जिस पे हम लोग मंथली जो सी है सर्चेज करते हैं, ठीक है, गूगल आप लोगों को बता रहा है। तो यहाँ पे IDM के ऊपर जो सी मंथली सर्चेज हैं 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक है, लाइक पूरी दुनिया में 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक जो मंथली सर्चेज हो रहे हैं IDM के ऊपर, ठीक है, IDM कीवर्ड के ऊपर। अगर इसके कंपटीशन की बात करें कि लोग इसके ऊपर कितना जो सा है लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, कितना इसके ऊपर जो सा है आर्टिकल लिख के पैसे कमा रहे हैं, तो लो है, लाइक बहुत कम यूजर्स हैं, बहुत कम जो से हैं ऐसे बंदे हैं जो कि IDM के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो हम लोग भी उन्हीं में शामिल होंगे और जो सा है इजीली इसके थ्रू जो सा पैसे कमाएंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। एक्चुअली में मैंने जो सा है ना ये वीडियो पहले बना रहा था तो वो क्रैश हो गई थी, तो दोबारा स्टार्ट की है। तो यहाँ पे अब देखें लो हो गया, ठीक है, इसका कंपटीशन भी लो है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसे हमें अगर IDM को यूज़ करते हैं तो कितने पैसे जो उनसे कमा सकते हैं, और अगर कोई विजिटर आता है तो कितने पैसे तक हम लोग कमा सकते हैं। एवरेज आप लोगों को मैंने 0.01 डॉलर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके दिखाया था, बट आप लोग अगर देखें यहाँ पे IDM के हिसाब से अगर आप लोगों की वेबसाइट पे IDM क्लिक करके कोई बंदा सर्च करके आता है तो यहाँ पे आप लोगों को 5 रुपये से लेके पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे 5 रुपये से लेके 25 रुपये तक आप लोग अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग है। अगर दूसरे कीवर्ड पे चले यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोडर, यहाँ पे भी 1 लाख से जो है 1 मिलियन तक इसके मंथली सर्चिज हैं और यहाँ पे कंपटीशन लो है। अगर इसकी जो प्राइसिंग की बात कीजिए तो अगर कोई बंदा यूज़ जो है इस कीवर्ड को सर्च करके आप लोगों की वेबसाइट पे आता है तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 4 रुपये से लेके 17 रुपये तक आप लोगों को इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग देख सकते हो लो कीवर्ड वाले जो आप लोगों ने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, यहाँ पे जो मैंने IDM है, IDM के बाद IDM डाउनलोड, ये भी जो है इस कीवर्ड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कंट्रोल सेट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है, जैसे ही पेस्ट करूँगा ये एक कीवर्ड मुझे मिल गया है, ठीक है। अब दूसरा जो है 4K वीडियो डाउनलोडर, इसका भी जो है हम लोग यहाँ पे सिंपल आएंगे और इसको जो है यहाँ पे सर्च कर देंगे, ठीक है, इसको मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे जो है कीवर्ड आ गया है और यहाँ पे आने के बाद इसे मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। वर्ल्ड वाइड लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ऑल लोकेशन, लाइक पूरी दुनिया में ये कीवर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी भी जो है मंथली सर्चिज अच्छे हैं सर्चिज, और यहाँ पे इसका कंपटीशन भी लो है, और यहाँ पे आप लोगों को 3 रुपये से लेकर 63 रुपये तक जो है अर्निंग हो सकती है। तो इस कीवर्ड को भी मैं यहाँ पे इसी तरह ही रहने दूंगा, ठीक है, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सीसी क्लीनर आ गया, ठीक है, ये जो सा है वायरस क्लीनर है, तो इसको जो सा है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 1 मिलियन से 10 मिलियन तिकर इसके मंथली सर्चिज हैं, कंपटीशन बिल्कुल लो है, लाइक आप लोगों को इसमें रैंक करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। 67 रुपये से लेके 715 डॉलर तिकर आप लोगों को अर्निंग हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कीवर्ड है, हम लोग इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद बैंड कैंप पे चलते हैं, ठीक है, अब इस कीवर्ड का कितना सर्चिज है मंथली और ये भी देख लेते हैं। इंटर करने के बाद इसे गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसके भी 1 लाख से जो है 1 मिलियन तक जो हैं मंथली जो सर्चित हैं और यहाँ पे कंपटीशन इसका बिल्कुल लो है, ठीक है, 8 रुपये से आप लोगों को 72 रुपये तक आप लोगों को इसका देखने को मिलता है एवरेज। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे कीवर्ड आ गए। आप लोगों ने इस तरह पहले सारे जितने भी आप लोगों के कीवर्ड होंगे, ठीक है, आप लोगों ने 50, 100, 1 लाख तिकर भी जितने भी सॉफ्टवेयर के नाम आप लोगों ने लिख के रख लिए उनके पहले आप लोगों ने जो से निकाले ने कीवर्ड्स, कीवर्ड निकालने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर जो से अपलोडिंग जो से ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है IDM आ गया, ठीक है, और ये वीडियो एडिटिंग है तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग आ जाएगा, ये भी PC का है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर PC जो से होते हैं वीडियो एडिटिंग जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली PC के लिए होते हैं, तो PC के अलावा ये लिनक्स के लिए भी होते हैं, ठीक है, विंडोज़ के लिए भी होते हैं, इसके अलावा ये मैक के लिए भी होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है, तो फर्ज करेंगे ये जो है विंडो के लिए तो यहाँ पे विंडो लिख देते हैं, ठीक है, और ये जो सा है मैक के लिए तो यहाँ पे मैक लिख देते हैं, और ये जो सा है लिनक्स,
ठीक है। और ये जो साहब मैं इसका पता नहीं क्या लगाऊं तो इसे छोड़ देते हैं, इसको भी हम लोग विंडो पे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि हमारा जो सा है ये विंडो, इस तरह करते हैं कि इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि ये दो तीन चीज़ों के लिए है, ठीक है। और ठीक हो गया जी, यहाँ पे जो सा ये तीनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग इसका अब यूज़ करेंगे और आप लोगों को कम्प्लीटली तौर पे बताता हूँ कि आप लोगों ने अब क्या काम करना है। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं, सॉरी सेकंड थर्ड स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे जो सा आप लोग थर्ड स्टेप देखेंगे, गेट फ्री होस्टिंग एंड डोमेन। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फ्री में जो सा होस्टिंग डोमेन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे, हद तक आप लोगों को मैं अर्निंग का भी बताऊंगा। कोई हम लोगों ने एडिशन अप्रूव नहीं करवाना, कोई हम लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं करना, जस्ट आर्टिकल लिखेंगे पब्लिश और पैसे ही पैसा, ठीक है। देखो थर्ड स्टेप पे होस्टिंग और डोमेन आ जाती है। अब होस्टिंग डोमेन के लिए मैंने ऑलरेडी वैसे एक वीडियो बना के रखी है, अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है हाउ टू गेट अ फ्री होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है। फास्ट होस्टिंग, ठीक है, या आप लोग सर्च कर सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो भी देख दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, इसमें हमने आप लोगों को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि आप लोगों ने किस तरीके कार से होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेनी है और इसे अटैच करके अपनी वेबसाइट को रेडी करना है। इसमें SSL सर्टिफिकेट का भी बताया है। तो इसका जो सा है मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा, इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में भी पोस्ट कर दूंगा, जो सा लिंक कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों का ये थर्ड स्टेप भी जो सा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जी यहाँ पे फोर्थ स्टेप की तरफ, के इंस्टॉल थीम्स एंड प्लगइन्स। अब देखो वर्डप्रेस आप लोगों ने उस वेब वीडियो को देख के इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है, बट ये जो सा स्टेप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप पे मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने किस तरह जो सा थीम, कौन सा थीम इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसकी जो सा थीम की कस्टमाइजेशन किस तरीके कार से करनी है। मैंने आप लोगों को बताया कि थीम और जो सा है इसकी एक ही थीम यूज़ करेंगे और उसी के ऊपर जो सा हम लोग आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे, कोई हम लोगों ने ज़्यादा अच्छी खासी इसके ऊपर कस्टमाइजेशन नहीं करनी। सेम हमारी तकरीबन और तकरीबन इस तरह की वेबसाइट बन जाएगी और उसका हम लोग इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी थीम और कस्टमाइजेशन की तरफ। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक थीम को यूज करना है, उसके ऊपर आप लोगों का काम है। कोई आप लोगों ने खपत नहीं करनी, कोई आप लोगों को इसके ऊपर जलालत लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इस थीम को इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, वर्डप्रेस पे चले जाना है। आप लोग जैसे ही वर्डप्रेस को अपने इस जो सा है अपने होस्टिंग पे इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि इस टाइम मेरे सामने है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वैसे जो सा इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, यहाँ पे सॉफ्ट डॉट फास्ट पेज डॉट ओ आर जी, ठीक है। आप लोगों के सामने ये वेबसाइट का लिंक है, आप लोग देख सकते हो, इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग इस तरह की भी वेबसाइट बना सकते हो सेम इसी तरीके का की। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जस्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, इसका जो सा इंटरफेस है ना इससे तो पहले क्लीन करें ना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मनहूस लग रहा है इस टाइम, ठीक है। हम लोगों ने कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना है इसके ऊपर, जस्ट हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपलोड करना है और जो सा पैसे कमाने स्टार्ट कर देने, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं पोस्ट में और ऑल पोस्ट पे चले जाते हैं। जो सी एक पोस्ट आप लोगों को रैंडम देखने को मिलती है, जो सी ऐसी घूमती फिरती रहती है, जब आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों को एक पोस्ट रैंडम देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस पे आए हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने जो सा है पोस्ट पे, और पोस्ट पे जो सा है मेरी अभी लोडिंग ही नहीं खत्म हो रही, तो मैं इसे अगेन रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि नेट का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, रात का टाइम है और मेरे यूजर्स भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है मैं इसे क्रैश कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड जो है बेसिक देखने को मिलता है। अगर मैं आपको वेबसाइट विजिट करवाऊँ तो अब वेबसाइट देख लें और बाद में देख लीजिएगा किस तरह की वेबसाइट आप लोगों को लग रही है। अब वेबसाइट आप लोगों को इस तरीके कार की देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट डिलीट कर दी है, ठीक है। अब चलते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस। तो यहाँ पे जो है ऑल पेजेस में भी आप लोगों को दो ऐसे पेज देखने को मिलते हैं जो कि रैंडम अपलोड किए जो हैं वेबसाइट जब आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसे भी मैं क्रैश कर दूंगा और क्रैश करने के बाद यहाँ पे चलते हैं प्लगइन्स में, और प्लगइन्स भी आप लोगों को ऑलरेडी इंस्टॉल देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग उनको भी क्रैश कर देंगे क्योंकि हमें कोई प्लगइन की ज़रूरत है ही नहीं, हमें वेबसाइट चाहिए फुल फास्ट और हम लोग वेबसाइट को फास्ट ही रखेंगे। तो मैंने ये प्लगइन भी डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब चलेंगे सेटिंग्स पे, सबसे पहले जनरल सेटिंग पे चलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जनरल सेटिंग पे चले जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नेम लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के नाम से जो उनसे है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ टैग लाइन पे भी, ठीक है। टैग लाइन का आपको पता होगा कि छोटी डिस्क्रिप्शन होती है, आप लोगों ने एक आधी लाइन पे एक्सप्लेन करना होता है अपनी वेबसाइट को और इसे हम लोग टैग लाइन के नाम पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की वेबसाइट पे HTTPS लाइक SSL सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे S लगा के उसे सेव कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग ना कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को इशू देखने को मिल सकता है,
मेरा यहाँ पे ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बना तो मैं इसे सेव नहीं करूँगा, जस्ट इसे जाके सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्टर कैन एनी जो है एनी वन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों की कोई भी यूज़र आए तो वो रजिस्टर कर सके, अदरवाइज हम लोग रजिस्टर वाला ऑप्शन तो देने नहीं वाले, फिर भी आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग दूसरी सेटिंग है, आप लोगों ने परमालिंक्स पे आना है। परमालिंक्स पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को डे एंड नेम्स पे सिलेक्ट होगा, आप लोगों का मैं भी किसी और टिक हुआ हो कहीं और पे, बट आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट एंड नेम पे क्लिक करना है, ठीक है। पोस्ट नेम पे आप लोगों ने क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, आप लोगों की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है जी, हम लोग एक बार डैशबोर्ड में चले जाते हैं। आप लोगों को मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ आप लोगों को, बोनस टिप, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को लास्ट पे एक जो सा है इसके मजे की बोनस टिप देने वाला हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लेना है। और जो सा है वीडियो को अब मैं इस इधर से लेके सेंटर तक लास्ट तक, ठीक है, आप लोगों को एक बोनस टिप दूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट लाजमी देख लेना है। तो अगर आप लोग मिस करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान करेंगे अपना, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और अगर कुछ ना कुछ अभी तक आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सा हम लोग एक थीम यूज़ करने वाले हैं, थीम का जो सा है नाम मैं आप लोगों को बताने नहीं वाला, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों के सामने इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक थीम इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ऐड थीम को इंस्टॉल करेंगे, जिसका नाम है माई स्टिक यूई, ठीक है। तो इस जो सा नेम है इस थीम का मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं जो सा मैंशन कर दूंगा, मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ पे करने वाला हूँ, बट ये वाला थीम जो है आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। इस थीम को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जस्ट हम लोग इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और जो सा इंस्टॉल पे जो सा इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। आप लोगों के एक्टिवेट होने के बाद सब नोटिफिकेशन हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, इसे भी कट करेंगे। और यहाँ पे जितने भी पुराने जो सा दूसरे थीम है इनको हम लोग डिलीट कर देंगे, बस इतना काम था। और आप लोगों की वेबसाइट तकरीबन और तकरीबन रेडी है, बस अब इसकी जो सी एक कस्टमाइजेशन रह गई है वो भी करेंगे। और आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा अर्निंग किस तरीके कार से करनी है, ठीक है। इसको इनेबल कर लेंगे, ऑटो इनेबल, ठीक है, अपडेट पे। और जो से अगर अब आप लोग प्लगइन्स पे आए तो देखें प्लगइन्स आप लोगों का है ही कोई नहीं, और अगर थीम पे आए तो आप लोगों की पुरानी थीम ये थी। और अगर मैं अगेन दोनों सी है इस वेबसाइट को विजिट करूं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की थीम बिल्कुल चेंज हो गई है और आप लोगों की वेबसाइट इस तरह लोड हो रही है जिस तरह छड गलना दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो से हमारी थीम यहाँ पे हो गई है, मैं अगर क्लिक करूँ आप लोगों को सामने डोमेन पे, तो यहाँ पे जो है फौरी तौर पर रिफ्रेश हो रही है और थीम बहुत ज़्यादा औसम हो गई है, ठीक है। तो हम लोग इसी थीम का यूज़ करके जो है इसके ऊपर काम करेंगे। अब जी हमारी थीम बिल्कुल रेडी है, अब हम लोग इसके ऊपर जो सा थोड़ा बहुत काम करेंगे, कस्टमाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहले जो सा ना मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो सिंपल हम लोग कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेम चेंज करना तो नेम भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज मैं नेम नहीं चेंज करूंगा। आप लोगों ने जो सा टैग लाइन और उसकी जगह आप लोगों ने नेम लगाया होगा तो वो आप लोगों का यहाँ पे लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जो सा अगर मैं आप लोगों को सेटिंग पे जाके दिखाऊँ, यहाँ पे जनरल सेटिंग पे आप लोगों ने साइट का टाइटल जो सा रखा था ना वही आप लोगों का जो सा लोगो बन के आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑसम है। यहाँ पे जो सा मुझे इसकी ये जो सा डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करूंगा। जैसे ही साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करूंगा यहाँ पे टैग लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। जस्ट मैं इसके ऊपर जो सा क्लिक करके इसे खत्म कर दूंगा, अदरवाइज आप लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। जैसे मैं कट करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो सा बिल्कुल भी खत्म हो गया, कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए और ना ही है। अब चलते हैं जी इसका फेव आइकन, फेव आइकन क्या चीज़ है, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करने के लिए सेट आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अपलोड करेंगे अपनी फाइल को, जहाँ पे भी फाइल पड़ी है तो उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। मैंने जो ये ऑलरेडी वैसे बना के रखी हुई है तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। ये वाला था मेरे ख्याल में समथिंग जी यही होगा, तो यहाँ पे जी यही वाला था, ठीक है। मैंने एक्चुअली में देखा नहीं ऐसे अपलोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सा हम लोग फिर अपने जो सा है इसकी SEO कर देते हैं थोड़ी बहुत, ताकि जो सा है गूगल पे रैंक कर सके, ठीक है। ये लाजमी लगा लिया करें, आप लोगों को SEO का नहीं पता तो कम्प्लीटली एक मैंने वीडियो ऐसे बना के रखी हुई है और उसमें मुझे यहाँ पे देखनी पड़नी है, अदरवाइज आप लोग देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे ये SEO के मुतालिक मैंने वीडियो बना के रखी हुई है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को अपने तस्वीर को अपलोड कर दिया है। अब साइज की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 512x512, ठीक है, ये सिलेक्ट आप लोगों को करनी होती है। तो यहाँ पे जो सा मैंने अपने फेव आइकन को सिलेक्ट करके इसे अपलोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, मुझे स्कीप क्रॉपिंग ही करना चाहिए था, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं जो सा हमारा फेव आइकन लग गया है। अगर आप लोग देखें अब हमारा आइकन क्या है और पहले क्या था, आप लोग वर्डप्रेस पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसे सिंपल पब्लिश करते हैं, ये हमारी सिंपल कस्टमाइजेशन थी, ठीक है। हम लोगों को कोई और कस्टमाइजेशन नहीं करनी, ठीक है। अगर आप लोगों को CSS आती है तो आप लोग इसके हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट हमें नहीं आती हम लोग छोड़ देंगे,
ये अजाब ही है, ठीक है। सिंपल हम लोग वेबसाइट पे अगेन जाएंगे और यहाँ पे जो सा अब हम लोग इसके मेन्यूज और इसके जो सा टॉप मेन्यू लाइक इस तरह का जो सा आप लोग देख रहे हो ये वाला, और जो सा है फुटर मेन्यू हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें मे भी है वो, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम लोग इस तरह का फुटर मेन्यू देखने वाले हैं, तो यहाँ पे फुटर मेन्यू किस तरह आप लोगों ने जो सा है लगाना है और जो सा मेन्यूज किस तरीकेकार से क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपीयरेंस में आना है, जहाँ पे आप लोगों को मेन्यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। बट हम लोग को, आप लोगों को पता है मेन्यूज क्रिएट करने से पहले आप लोगों को यहाँ कैटेगरीज की जरूरत पड़ती है या फिर पेजेस की, तो उससे पहले हम लोग पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कैटेगरीज को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो से कैटेगरीज आप लोग लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं लिख दूंगा ब्लॉग, ब्लॉग्स के नाम से, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी की जो है मैं इस तरह सेलेक्ट करके जो सा है इसे रैंडम, ये जो सी कैटेगरी होती है ये रैंडम होती है, जितना मर्जी जो सा आप लोग जब मर्जी जितने मर्जी से होस्टिंग बाय करें या फिर आप लोग फ्री वाली ले लें, तो आप लोगों को ये कैटेगरी मस्ट देखने को मिलेगी और कुछ जो से पेजेस और जो सा पोस्ट थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखने को मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो से हम लोग दूसरी कैटेगरी ऐड करेंगे वीडियो एडिटिंग, एडिटिंग, ठीक है। इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे नीचे और स्लग पे, ठीक है। स्लग जो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को ये स्लग होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये स्लग होता है, तो ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा कैटेगरी ऐड कर दी यहाँ पे जी वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देंगे इधर और यहाँ पे इसे इस तरह ऐड कर देंगे, इस तरह वीडियो एडिटिंग हो गया, वीडियो डाउनलोडर हो गया, और यहाँ पे फोटो एडिटिंग एडिटर, ठीक है, एडिटर लिखते हैं, तो एडिटर्स लिख दिया, ठीक है। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा स्लग में और यहाँ पे इसे भी पेस्ट कर दिया। लाइक हम लोगों ने तीन कैटेगरीज बनाई है, अब जो सा है हम लोग वीपीएन लगा देते हैं, ठीक है, वीपीएन, ठीक है, VPN और S, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे स्लग में लगा देंगे, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पे स्लग में भी लगा देता हूँ। अब VPN भी हो गए हैं, अब कौन सा हो सकती है कैटेगरी यहाँ पे जी, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। यहाँ पे जो सा है वायरस क्लीनर, अब क्लीनर के पता नहीं मैंने क्या स्पेलिंग लिख दी है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो सा क्लीनर देखते हैं तो जाने दो बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने भी आप लोगों के स्पेलिंग्स हों तो वो सारे के सारे आप लोगों के स्पेलिंग्स बिल्कुल मिस्टेक ना हो उसमें, तो आप लोगों को एसईओ में मुश्किल हो सकती है अगर मिस्टेक हुई तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो से बेसिक कैटेगरीज लगा दी हैं और इसके बाद जो से हम लोग पेजेस में जाएंगे, बेसिक पेजेस भी ऐड कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पेजेस तो डिलीट कर दिए थे बट हम लोगों को यहाँ पे पेजेस ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन करूँगा इसको, और एक तो होगा जो सा है हमारा ब्लॉग, ब्लॉग नहीं एक्चुअली यहाँ पे जो सा पेज होगा पहला जो सा अबाउट, अबाउट अस, और इसको जो सा जस्ट पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, हम लोग इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक और पेज ऐड करेंगे जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट अस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। हमें इतने पेजेस ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने कौन सा जो सा है एडिशन को प्रूव करवाना है, तो फिर भी हम लोग कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, पब्लिश करते हैं। और यहाँ पे एक आधा जो सा पेज और ऐड करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी और फलां फलां, ठीक है। यहाँ पे इसे भी कट करता हूँ और जो सा मैं एक और पेज ऐड करूंगा इसमें जिसका नाम होगा प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, दो पेज और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी वेबसाइट में कुछ ना कुछ लुक आ जाए। तो टर्म्स कंडीशन तो CUN, ठीक है, कंडीशन, सो इसे मैं पब्लिश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इसके भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, आप अगर आप इतने फीता कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो सा हम लोग दूसरा लास्ट वाला जो सा है पेज ऐड कर देते हैं जिसका टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं टर्म्स एंड कंडीशन कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी जो सा हम लोगों ने जस्ट इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो सा हमारे तकरीबन पेजेस भी कंप्लीट हैं। अब लास्ट काम ये रह गया कि हम लोगों ने इसके मेन्यूज क्रिएट करने, तो मेन्यूज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जस्ट अपीयरेंस के नीचे यहाँ पे आप लोगों को मेन्यूज देखने को मिलता है, जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो सा मेन मेन्यू हम लोग क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मेन्यू हम लोगों ने गलत लिखा, ठीक है, यहाँ पे मेन मेन्यू, और इसको यहाँ पे हम लोग कर देंगे टॉप नेविगेशन। टॉप नेविगेशन कौन सा मेन्यू है, ये वाला जो सा आप लोगों को टॉप पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जस्ट हम लोग इसे टॉप नेविगेशन पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे ही हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पेजेस ऐड करके सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जितने भी पेजेस हैं ना सारों को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो सारे पेज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसे जस्ट सेव में मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो मेरे पेजेस ऐड हो जाएंगे। अगर मैं इसे कट करूँ और यहाँ पे इस अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे पेजेस ऐड हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो सा आता है, इसके बाद हम लोगों ने एक और मेन्यू क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ये वाला, और इसका नाम हम लोगों ने लिखना है प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। इसे मेन मेन्यू टू लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन करेंगे इस मेन्यू को, ठीक है। इस मेन्यू को आप लोगों ने प्राइमरी नेविगेशन कर देना, ठीक है।
यहाँ पे इसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे जो से क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पे मैं पेजेस की बजाय सबसे पहले होम पेज तो यहाँ पे ऐड होना लाजमी है, ठीक है, होम पेज ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज को ऐड करते हैं। अगर आप लोगों को कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पे आप लोग ऊपर आएंगे सी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, जिस तरह के यहाँ पे कैटेगरी आप देखें हाइड हो गया, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे टिक नहीं होगा, आप लोगों ने जस्ट उसके ऊपर टिक करना है तो यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। मैं सारे के सारे जितने भी मेरे पेजेस हैं सारे के सारे सॉरी कैटेगरीज उनको ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ब्लॉग वाला फीचर मैं लास्ट पे ले जाऊंगा, ठीक है, ब्लॉग वाला फीचर मेरा लास्ट पे आ गया है और जस्ट मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आता हूँ वापिस और यहाँ पे जो है मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आप लोग देखोगे जितने भी मेन्यूज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जिस तरह इसने बनाया हुआ है ना एक जिसे कहा जाता है मेगा मेन्यू टाइप, ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने आना है, सबसे पहले कस्टम जो सा लिंक आप लोग बना लें, ठीक है, तो इसका कस्टम लिंक बनाने के लिए मैं मोर जो सा है यहाँ मोड पे लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल मोड लिखता हूँ और यहाँ पे जो सा मैं इसकी जगह URL की जगह एक हैश टैग लगा दूंगा। जस्ट मैं इसको जो सा है ऐड मेन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो सा आप लोगों को मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसके बीच में आप लोग जितने मर्जी पेजेस चाहें ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज चाहें ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पेजेस ऐड करके दिखाता हूँ। जस्ट मैं पेजेस में जाऊंगा, जितने भी आप लोगों को कैटेगरीज हैं वो आप लोग मोड में भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के मुतालिक जितने भी कैटेगरीज है वो आप लोग इसके अंडर लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह यहाँ पे जो सा मैं सारे के सारे पेजेस को ऐड कर दूंगा स्वाय होम को छोड़ के, ठीक है, ऐड पे करता हूँ क्लिक, यहाँ पे मोर ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ये वाला मोर कैटेगरी। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके का आपकी फिलहाल वेबसाइट दिखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा घटिया लगती होगी ये वाला मेन्यू, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा घटिया है। हम लोगों को एक ही लाइन पे इस मेन्यू को रखना है, तो क्या करेंगे ये ब्लॉग है, ब्लॉग के थोड़ा सा साइड पे लेके जाना और इसे छोड़ देना है। इसी तरह आप लोगों ने सारे के सारे फीचर को सॉरी ये वाला मैंने मोर नहीं इसे गलत हो गया, तो मैं इसे इस तरह और इसे इस तरह करके मोड़ के नीचे वाला जिस मोड़ के अंडर हमें चाहिए, लाइक हमें यहाँ पे चाहिए इसके अंडर जितने भी ये पेजेस हैं यहाँ पे अंडर पे चाहिए, तो हम लोग क्या काम करेंगे इसे थोड़ा सा ड्रैग करके साइड पे ले आएंगे, ठीक है। इसी तरह सारे आप लोगों ने पेजेस को या कैटेगरीज को आप लोगों ने इस तरह ले आना है और इसे जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सा मोड़ के नीचे आप लोगों को फीचर देखने को मिल जाएगा। अब देखें मोड़ के ऊपर लेके जाता हूँ, जैसे ही लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को जो सा है सारे पेजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा दूसरा काम। अब देखो ये हमारी बेसिक सेटिंग हो गई है, अब यहाँ पे फुटर सेशन हम लोगों ने ऐड करना है, वो किस तरह करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फिर क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है हम लोग एक क्रिएट करेंगे फुटर मेन्यू, ठीक है, फुटर मेन्यू वन पे हम लोग क्लिक कर देंगे और फुटर मेन्यू आप लोगों को इस तरह 1, 2, 3 नहीं देखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी जो है वेबसाइट बनाता रहता हूँ तो ये सब मेन है और इसलिए मुझे ये मेन्यू वगैरह देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने फुटर मेन्यू लिख देना है और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फुटर नेविगेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक कर देना, आप लोगों का ये भी मेन्यू क्रिएट हो जाएगा जो कि फुटर पे आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, ठीक है। हम लोग इसको कॉपीराइट को नहीं हटाने वाले बिल्कुल भी, ठीक है, हम लोगों को कोई ऐसी वैसी लालच नहीं है, पैसे हम लोगों ने बस पैसे कमाने, कोई एडिशन का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, पैसे आके बहुत कुछ आ गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग फुटर मेन्यू ऐड करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके जो है हम लोग पेजेस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो चाहें यहाँ पे फुटर मेन्यू पे ऐड कर सकते हैं, बेशक कैटेगरीज जो मर्जी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है मेरे सारे के सारे पेजेस ऐड हो गए हैं, जस्ट हम लोग इसको सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं और सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे मेन्यू क्रिएट हो चुका होगा। तो यहाँ पे अब रिफ्रेश कब होगा उसका तो अल्लाह ही जाने, ठीक है, नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा वैसे वीडियो बनाने का, बट बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह, ठीक है, अब यहाँ पे लोड हो गया है और यहाँ पे आप लोग देखोगे जितने भी हमारे फीचर्स थे सारे के सारे पेजेस यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब देखो अब दूसरी चीज़ आती है कि आप लोगों ने किस तरह जो सा है इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखें हमारा ये कस्टमाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो गई है, अब स्टेप 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप 5 क्या है वो आपको बताता हूँ। राइट अ फुल SEO फ्रेंडली आर्टिकल विद ChatGPT। अब देखो ChatGPT के लिए ChatGPT से आर्टिकल लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट
आप लोगों को कुछ चीज़ों के जो सा इशू रहेगा वो क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक पेज शो कर दूंगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चूँ सा हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि मैं आप लोगों को इस पेज में शो करवा रहा हूँ। आप लोगों को तकरीबन और तकरीबन जो से आप लोगों के मेन जो सा कीवर्ड है उसकी डेंसिटी आप लोगों को देखनी पड़ती है, ठीक है। उसका आप लोगों को देखना पड़ता है कितनी बार आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मोस्टली आप लोग यूज़ करेंगे 20 से ज़्यादा यूज़ ना करें, गूगल पे रैंक करने में इशू होगा अदरवाइज़। और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही बेनिफिट है, जितना कम करेंगे उतना ही बेनिफिट है। लाइक आप मिड में रख के चलेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट है। तो हम लोग 20 तकरीबन हम लोग 20 दिखकर आई जो से अपना कीवर्ड को यूज़ करेंगे अपने आर्टिकल में ताकि गूगल के ऊपर रैंक कर सके। और तस्वीरों के बाद जो उनसे तस्वीरों की बात करें, लाइक अब तस्वीरें जो उनसे आप लोगों को कम से कम अपनी अपने आर्टिकल में अगर गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करना है इस कीवर्ड के ऊपर, तो आप लोगों को तस्वीरों को तो इस तरह डालना है, छोड़ बातें नहीं, तस्वीरें आप लोगों ने कर देनी है, ठीक है। लाइक इतने भी नहीं करने के, तस्वीरों के अलावा दिखे कुछ ना आर्टिकल हो ना तो गूगल पे रैंक ही ना हो, ठीक है। आप लोगों ने आर्टिकल कोशिश करना है 1000 की जो उनसे वर्ड से ज्यादा हो आप लोगों का आर्टिकल, और जो उनसे है कीवर्ड आप जो उनसे तस्वीरें हैं वो आप लोगों की 7-8-10 तस्वीरें कम से कम हो, ठीक है। अब देखें हमारा तो तकरीबन वेबसाइट रेडी है, अब इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने के लिए अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का, ठीक है। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को ओपन ऑलरेडी करके रखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन है। अब देखें किस तरीके कार से आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे जी हम लोग अपने वही फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो सा है लिखेंगे एक आर्टिकल, और आर्टिकल लिखने के लिए हम लोग अपना मेन कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे, मेन कीवर्ड को, ठीक है, और अपने जो सा है अपने उसे क्या कहते हैं चैट जीपीटी में आ जाएंगे और इसे कहेंगे राइट अ टाइटल ऑन, ठीक है। अपना कीवर्ड डाल के इसे जो सा है इंटर कर देंगे। यहाँ पे जो सा है आप लोगों को एक इसने टाइटल बना के दे दिए, जस्ट हम लोग इसको कॉपी करेंगे। और बल्कि आप लोग एक ये भी काम कर सकते हो, आप लोगों की डाउनलोडिंग वेबसाइट है, ये टिप दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को टिप्स में देता रहूँगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो हम लोग एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें आप लोगों को टिप देता हूँ। जस्ट आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको कॉपी कर लेना है टाइटल को, और टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप लोगों का ये टाइटल बन गया है। अब टाइटल बनाने का दूसरा तरीकेकार देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लेना है क्या है। आप लोगों ने जो सा भी आप लोगों का कीवर्ड हो वो यहाँ पे पेस्ट करना है। जस्ट किस तरह करना है, यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड अपना जो सा कॉपी किया होगा, ये वाला कीवर्ड था, मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये क्या आ गया है, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोडिंग वेबसाइट है, ठीक है, IDM फ्री पेड डाउनलोड, सिंपल जस्ट आप लोगों ने ये लिख देना है और लाइक आगे सन लिख दें, डेट लिख दें, ठीक है। इतना सा आप लोगों ने टाइटल लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। आप लोगों का ये टाइटल आप लोग बेशक तस्वीर लेके जो सा रख लें, ठीक है, या फिर आप लोग उसे अपने माइंड में उठा लें कि प्री पेड डाउनलोड 2023, ठीक है। अब आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आइडिया मैंने यूज़ किया है मेन कीवर्ड को, मेन कीवर्ड सॉरी ये था, और ये जो सा है हम लोग मेन कीवर्ड को टारगेट करेंगे किस तरह, आप लोगों ने डबल स्लैश लगा के यहाँ पे IDM DOWNLOAD, ठीक है, डाउनलोड, ये जो सा आप लोगों का मेन कीवर्ड आप लोगों के टाइटल में यूज हो गया, ठीक है। और ये कीवर्ड ही आप लोगों ने रैंक करवाना है तो किस तरीके कार से रैंक करवाना है वो भी बताता हूँ। आप लोगों ने इस तरह अपने जो सा है टाइटल को बनाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो सा अगर दूसरा 4K वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, 4K वीडियो डाउनलोडर कॉपी करेंगे, यहाँ पे जो सा है 4K वीडियो डाउनलोडर आ गया है और इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो सा है इसको कट कर देंगे क्योंकि जो सा स्टार्टिंग पे हमारा मेन फोकस कीवर्ड खुद ही आ गया है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ एक बार फोकस कीवर्ड डालना है, अदरवाइज अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में फोकस कीवर्ड नहीं आ रहा, आप लोगों ने डबल स्लग लगा के वो 4K जो सा अपना टाइटल लगा देना है, ठीक है, अपना मेन टारगेट कीवर्ड लगा देना है। तो हम लोग जो सा है फर्स्ट वाले आर्टिकल को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके थ्रू जो सा है अब अर्निंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने IDM पे लिखना था आर्टिकल, तो IDM पे जाने के बाद इसको हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे जो सा है ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसे भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको IDM को मैं जो सा है बड़ा कर दूंगा IDM, और इसको मैं डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड कर दिया। और यहाँ पे जो सा है मैं IDM को लिख दूंगा,
अब देखो आईडीएम फ्री पे डाउनलोड 2023 और यहाँ पे जो है आईडीएम डाउनलोड, ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा आर्टिकल भी अब लिखेंगे। अब जो है हम लोग इस मेन कीवर्ड को जो है कॉपी करेंगे सिंपल जस्ट इस तरह, और कॉपी करने के बाद जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपने वापस उस पर आ जाएंगे अपने चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पे इसे यही एक जो है इसे कमांड देंगे कि हमें एक राइट करके दे आर्टिकल, ठीक है, राइट फुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल ऑन अपना मेन कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेन कीवर्ड डालने के बाद एसईओ, ठीक है यार, नहीं दे बचिया, अपने जो सा है मेन कीवर्ड डालने के बाद आप लोग ने क्या काम करना है, स्पेस डालनी है और यहाँ पे डबल कोट जो सा कोमा लगाना है और यहाँ पे लिखना है मेन कीवर्ड, और यहाँ पे जो सा आप लोगों ने फिर कोमा लगाने के बाद अपना मेन कीवर्ड को कॉपी करना है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और फिर डबल कोमा दो बार लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, डबल कोमा आप लोगों ने इस तरह नहीं लगाना है। डबल कोमा लगाने के बाद आप लोगों ने स्पेस देनी है और यूज मैनी टाइम इन आर्टिकल, ठीक है, आप लोगों ने फिर कोमा लगा देना है, ठीक है। हम लोग जस्ट इसको जो है कमांड दे देंगे, यहाँ पे जो है हम लोगों ने कमांड दे दी, आप लोग इसको जो है देख सकते हो, इसको आप लोग तस्वीर आउट कर सकते हो, ठीक है, इसकी आप लोग तस्वीर लेके रख लें और आप लोग यही चीज यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखें आईडीएम डाउनलोड इसने इधर भी यूज कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आईडीएम जगह जगह इसने जो है यूज कर दिया होगा, और इसके थ्रू जो है हम लोग अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने अपना जो है आर्टिकल है पब्लिश कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है ना इसने मुख्तलिफ हमें छोटा सा आर्टिकल लिख के दिया है, अब इसका बड़ा करने का भी इसको आपको मैं तरीकेकार बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इसको बड़ा करना है। लाइक आप लोगों का आर्टिकल 1000 कीवर्ड से वर्ड से छोटा है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे एक इधर आना है, ठीक है, नीचे यहाँ पे इसे कमांड देनी है कि मुझे प्लीज एक्सप्लेन आईडीएम, ठीक है, इस तरह कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लीज ई एक्स पी एल ए आई एन अबाउट आईडीएम, ठीक है, आईडीएम लिखती है और यहाँ पे आईडीएम डी ओ डब्ल्यू एन डाउनलोड, ठीक है, इससे हम लोग जो है सर्च कर देंगे, यहाँ पे जो है हमें कंप्लीट एक्सप्लेन करके देगा और यहाँ पे जो है इसका कंप्लीटली फीचर्स और जो है सारा कुछ बताएगा हमें और जो है हम लोग इसको यूज करेंगे। अब ये जो है आर्टिकल है हमारा कंप्लीटली आर्टिकल इसी तरह कॉपी करेंगे और पब्लिश कर देंगे, कोई हम लोगों ने इसमें पैगरिज्म नहीं चेक करना, कोई कुछ नहीं करना और जस्ट हमारा पब्लिश हो जाएगा और जो है आईडीएम हमारा इसके ऊपर जो है आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जी हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो सा है आईडीएम डाउनलोड के ऊपर था, इसे इंट्रोडक्शन से कॉपी कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे नीचे दिकर, ठीक है, नीचे दिकर आने के बाद जो सा है कंक्लूजन दिकर हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे तो मैं आपको वो भी बताता हूँ क्या होगा, कंट्रोल वी करेंगे ना आप लोग, मैंने यह क्या कॉपी कर दिया यार, यहाँ पे आप लोगों को ये इशू देखने को मिल सकता है कि आप लोग जो है इस तरह आप लोगों को बॉक्स देखने को मिलेगा, बट हमें ये बॉक्स नहीं चाहिए, हमें कम्प्लीटली जो है कंट्रोल शिफ्ट वी करके ही चाहिए, ठीक है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं और आप लोग उस तरीके कार से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है करने के बाद इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हेडिंग पे जितनी भी हेडिंग्स थी उनको आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का तकरीबन आर्टिकल आप लोगों ने अपने हिसाब से इसकी कस्टमाइजेशन कर लेनी है, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली फुल आर्टिकल लिखने का वे मैंने आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है ए टू जेड, वीडियो थोड़ी सी लंबी है और 58 मिनट की है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोगों को कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया, तो अगर मैं ये भी वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो ऑलरेडी मेरे ख्याल में जो सी है 1 घंटे के आसपास होने वाली है, तो यहाँ पे जो सी है मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसका भी लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिन जो है कमेंट फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो है आर्टिकल हो गया, अब जो है हम लोग सेकंड आर्टिकल को भी पेस्ट करेंगे, तो उसके के लिए हम लोग कंक्लूजन से लेके इसको सारे को कट करेंगे, कंक्लूजन जो है इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से जस्ट, ठीक है, इस पैराग्राफ को भी यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो है इस टैब पे हम लोग जो है दूसरा अपना आर्टिकल पेस्ट करेंगे। तो दूसरा आर्टिकल पे चलते हैं और जो है इंट्रोडक्शन सारा कंप्लीटली तौर पे
हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉपी करने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएंगे अपने आर्टिकल में और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा सारा का सारा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो गया है और अब हम लोग इसे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिश करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि तस्वीरों का यूज़ कर लीजिएगा। आप लोगों ने तस्वीरें भी किस तरीके कार से करनी है, यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे जो है IDM क्रैक या IDM जो है कोई भी सर्च करके यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है। इमेजेस में चले जाना है, इमेजेस को आप लोग सिंपली डाउनलोड करके उसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे जो है मैं इसे क्रैक की जगह इस तरह करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग तस्वीरों को डाउनलोड करके इसमें यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है एक्चुअली, तो यहाँ पे आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल पब्लिश करता हूँ, बट पब्लिश करने से पहले एक आध तस्वीर को डाउनलोड करके मैं इसको जो है अपने फीचर जो है इमेज पे लगाऊंगा। ठीक है, इसको मैं जो है जस्ट कॉपी करूंगा, सॉरी इसको जो है ना मैं यहाँ से इस तरह सेव करूंगा और इसे डाउनलोड भी कर रहने दूंगा। ठीक है, जहाँ डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे जो है देखते हैं तस्वीर हुई है तो ठीक है तस्वीर ही है। और यहाँ पे आएंगे आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना अपनी फीचर इमेज लगानी है और मैं जस्ट क्या करूँगा इसे इंट्रोडक्शन के नीचे बढ़ के लगाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों ने दो चार बार ना तस्वीरों को लगा देना, तो मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो है अपलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ। अपलोड करने के बाद डाउनलोड और डाउनलोड आ गया है। ठीक है, आप लोगों ने इसका साइज अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं इसका साइज फुल कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा साइज तकरीबन तस्वीर का फुल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने HD क्वालिटी में तस्वीरें यूज करनी है ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, अब देखें देखें लास्ट में आप लोगों को मैंने ट्रिक बतानी है, ट्रिक क्या है वो आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग जो सा ऑप्शन देना है लास्ट पे देना है, तो उसके के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना हम लोग बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बटन अगर तो आप लोगों को बटन नहीं सिलेक्ट मिल रहा, ठीक है ये वैसे बी लिखेंगे तो आ लोगों को BUTT ON ठीक है आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको मिड पे कर दें, मिड पे करने के बाद जो है आप लोगों ने इस पर एक बार क्लिक करना है जस्ट इस तरह। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी फीचर्स हैं, यहाँ पे आप लोग एडिट जो है HTML के थ्रू और इसका कॉपी पेस्ट भी कर सकते, सारा कुछ आप लोग इस पर कर सकते हो। ठीक है, जस्ट हम लोग ये काम करेंगे इस पर जो है इसे इस तरह कर देंगे मिडल पे। ठीक है, मिडल पे आ गया है और इसको आप लोग ने यहाँ से मिडल पे कर देना। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ। अब देखो बटन भी बन गया। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे मर्जी लिखा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है और यहाँ पे जो है मैं इधर लिख दूंगा डाउनलोड लिंक आर्टिकल। ठीक है, इसे मैं जो सा बोल्ड कर दूंगा और बोल्ड करने के बाद इसे मैं जो सा है बस इसी तरह बोल्ड रहने दूंगा और इसे मैं सेंटर पे कर देता हूँ ताकि जो सा हमारे यूजर को अच्छा इंप्रेशन मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो सा मैंने डाउनलोड कर दिया है और यहाँ पे जो सा है डाउनलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि लास्ट पे हमारा डाउनलोड का ऑप्शन है और लास्ट पे इसलिए लगाते हैं कि हमारे जो सा यूजर आता है उसका ड्यूरेशन वेबसाइट के ऊपर अच्छा बना रहे और हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो सके। तो जस्ट हम लोग इसको पब्लिश करने से पहले जो सा है मैं पब्लिश करने लगा था एक्चुअली में, तो यहाँ पे आइडिया में मैं सर्च करता हूँ ऐसे कोई भी, मैं इसी अपनी वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा, मैं किसी की क्यों लगाऊँ। तो जस्ट मैं अपनी वेबसाइट का कॉपी लिंक करता हूँ, आप लोगों ने जहाँ पे भी अपनी फाइल को अपलोड करके रखा होगा वहाँ से आप लोगों ने लिंक कॉपी कर लेना है और यहाँ पे अपने बटन पे आ जाना है। यहाँ पे जो है आप लोगों को बटन की जगह यहाँ पे आप लोगों को एक इस तरह करके ना अजीब सा ही वो ऑप्शन देखने को मिलता होगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है। जस्ट आप लोगों ने लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आप लोगों का ये बटन लिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लिंक का ऑप्शन है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारा जो है कम्प्लीटली लिंक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को साइड पे कैटेगरी देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में ये IDM आता है। ठीक है, अब ये वीडियो डाउनलोडर है। ठीक है, अब जो है बस वीडियो ही डाउनलोडर है और सॉफ्टवेयर डाउनलोडर है। ठीक है, VPN वायरस क्लीनर है, सारे में मैं ऐड कर देता हूँ इस पोस्ट को। ठीक है, पोस्ट करने के बाद जस्ट मैं पब्लिश कर दूंगा। आप लोगों ने पब्लिश तब भी करना है कम्प्लीटली तौर पे, आप लोगों ने यार वो वीडियो देख लेनी है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन किया। ठीक है, कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पब्लिश तो कर दी है बट मुझे एक इशू लगता है कि मैंने जो है ना इसके ऊपर फीचर इमेज नहीं लगाई तो वो मुझे इशू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने IDM को तो पब्लिश कर दिया था बट यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे जो सी फर्स्ट वाली पोस्ट है वो यहाँ पे शो होगी है। ठीक है, अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो IDM के पेज पे चला जाएगा। ठीक है, हमारी इस मेन वेबसाइट पे आ जाएगा।
यार यहाँ पे मैंने जो सी पोस्ट ऐड कर दी, और यहाँ पे जो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो सी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यार आप लोग सेम इसी तरीके कार को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हो, और अगर तो आप लोगों को इससे कुछ भी सीखने को मिले तो यार मिला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाना। अब ये क्राइटेरिया आप लोगों ने लास्ट में यूज़ करना है। अब हम लोग वेबसाइट पे अपने इस वीडियो के लास्ट पे जाएं तो यहाँ पे जो उनसे हम लोगों ने हाउ टू मेक मनी विद दिस वेबसाइट। अब देखो आप लोगों को यही टिप थी, यही ट्रिक थी कि आप लोगों को मैंने बतानी थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने वेबसाइट तो बना ली है बट हम लोगों ने पैसे किस तरीके कार से कमाने हैं, तो उसका मैं आप लोगों को तरीकेकार बताने वाला हूँ। तो आप लोग पैसे किस तरीके कार से कमाओगे? अब देखो यार यहाँ पे जो उनसा मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों ने वेबसाइट तो बना ली है बट अब इसे हम लोग गूगल एडिशन से भी प्रूव नहीं करवा सकते और मुख्तलिफ इसके ऊपर जो उनसे सॉफ्टवेयर को भी अपलोड कर लेंगे बट हम लोग हमारे पास जो उनसे है गूगल ड्राइव के थ्रू जो उनसी है अपलोडिंग जो उनसी है कम होती है, 15 GB की आप लोगों को अपलोडिंग स्पेस देखने को मिलती है बट हमारे पास इतनी स्पेस इनफ नहीं है हमारे लिए, तो हम लोग क्या काम करें? तो फर्स्ट आप लोगों को ये बता दूं कि अपलोडिंग एजेंसी है यूज़ करने के लिए, अपलोडिंग वेबसाइट को यूज़ करने के लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने अपने बैकग्राउंड में इधर खोल के रख ली है। इस वेबसाइट का नाम है अपलोड एवर, ठीक है। अपलोड एवर आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यह आप लोगों को फ्री में अनलिमिटेड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अनलिमिटेड आप लोगों को स्टोरेज देखने को मिलती है, अनलिमिटेड अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है, अनलिमिटेड शेयर डायरेक्ट लिंक्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा अनलिमिटेड डाउनलोड स्पीड देखने को मिलती है। आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे जाना है, इसे साइन अप पे क्लिक करके जो है इसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का तरीका कार बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे यूजर नेम लगाना होता है, ईमेल पासवर्ड री पासवर्ड और जो है अपना पेमेंट मेथड लगाना होता है। पेमेंट मेथड यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप लोग USD पाकिस्तान में है तो आप लोग पेटीएम जो है बैंक ट्रांसफर करवा सकते हो, या फिर इंडिया में हो सकता है ये आप लोग USD में ट्रांसफर करवा सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। तो ये आप लोग इसको यूज करो और आप लोग इसमें जो सा है सबसे पहले आप लोगों का वेब बताऊँ तो आप लोग किस तरीके कार से अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को तीन तरीके दोनों से है, दो तरीके कार से अर्निंग हो सकती है। एक तो आप लोग इस वेबसाइट पे अपलोड करके अर्निंग करोगे, ठीक है, और इसके अलावा आप लोग इसमें जब अपलोड करोगे फाइल को आप लोगों को डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों ने जस्ट क्या काम करना है, उसको कॉपी करना है अपने जिधर डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल पे, तो वहाँ पे आप लोगों ने वो लिंक पेस्ट कर देना है, ठीक है। वो आप लोगों को जैसे ही डाउनलोड करेगा जो सा ऐप को, ठीक है, तो आप लोगों को इसके जो डाउनलोड की है यहाँ पे पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट वे हो गया इस वेबसाइट के थ्रू पैसे कमाने का, ठीक है। अब दूसरा वे किस तरीके कार से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना आप लोग एडिशन को तो प्रूव करवा नहीं सकते, तो इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एडस्टीरा का यूज करना होगा, ठीक है। एडस्टीरा का मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई, अगर चाहें तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को एडस्टीरा के ऊपर वीडियो बना के दूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके कार से एडस्टीरा के जो है अकाउंट यूज करना है, एडस्टीरा का अकाउंट बनाना है और उसके थ्रू जो है अर्निंग करनी है इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं लाइव आ सकता हूँ, लाइव आप लोगों को आके समझाऊंगा, आप लोगों को लाइव कंप्लीटली तौर पर एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग इस जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को कंप्लीटली तौर पर एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग जो है एडस्टीरा का अकाउंट बनाए और यहाँ पे जो है अपनी पोस्ट को यहाँ पे पब्लिश करें और उसके साथ साथ एडस्टीरा को यहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं और अपने जो है वेबसाइट को अच्छा खासा ग्रो करके और अपने जो है एडस्टीरा के एड्स के थ्रू CPM ले सकते हो। अब दो आप लोगों को ऐसे मैंने मेथड्स बताए जिससे अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट आप लोग जो है डाउनलोडिंग वेबसाइट को तो यूज करके आप लोग पैसे कमा सकते हो और दूसरा आप लोग इसके ऊपर एडस्टीरा के एड यूज करके पैसे कमा सकते हो। तो यार अगर तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी बटन जरूर दबाना क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। मैं बोल तो काफी स्पीड में रहा था बट थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन का मैंने बताया कंप्लीटली तौर पे, इसके बाद आप लोग इसको अच्छा खासा बना सकते हो और SEO के लिहाज से आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आप लोग SEO करके इसे गूगल पे रैंक कर सकते हो, मैंने खुद अपनी जो से बताते खुद की वेबसाइट जो है अपनी गूगल पे रैंक की है। ना आप लोगों ने पैगरिज्म इसे फ्री करवाना है, ना ही आप लोगों ने कुछ और करना है, सिंपल आप लोगों ने ChatGPT के थ्रू आर्टिकल उठाना है और अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर देना है, ठीक है, और इसे आप लोगों ने अच्छे खासे पैसे कमा लेने हैं। लिहाजा आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर तो आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो एक थंब वीडियो को लाजमी बनता है, तो वो आप लोगों ने करके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि वीडियो कैसी बनी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो देखकर अल्लाह हाफिज़।